सतना के सिंहपुर थाने के अंदर पुलिस अभिरक्षा में चोरी की घटना के संदेही को गोली लगने से मौत की सनसनीखेज वारदात हुई। आरोप है कि नशे की हालत में थाना प्रभारी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी के पिस्टल टेबल पर रखी थी, जिसे छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मार ली। अब इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे समेत जिले में हड़कंप मच गया, स्थिति बेकाबू हो गई तो लाठीचार्ज किया गया। घटनाक्रम की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी समेत एक अन्य आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बीती शाम सिंहपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव से 2 माह पूर्व हुई चोरी की घटना के संदेही आरोपी के रूप में राजपति कुशवाहा नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान उसे थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान थाने के अंदर गोली चली और आरोपी राजपति कुशवाहा के सर पर गोली लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिंहपुर थाना पुलिस घायल अवस्था में राजपति कुशवाहा को सतना इलाज के लिए लेकर भागी। वहां से उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटने की खबर लगते ही नारायणपुर गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों पूरे गांव के साथ सिंहपुर थाने का घेराव करने पहुंच गए। मौत से आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कई घंटे तक पुलिस से झड़प और झूमर झटकी होती रही। देखते ही देखते आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आसपास के कई जिलों से पुलिस बल बुलाए गए। घटना में परिजनों के माने तो चोरी के आरोप में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी, लेकिन थाने के अंदर थाना प्रभारी ने नशे की हालत में उसे अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। अब पीड़ित परिवार बेहद आक्रोशित और न्याय की मांग कर रहे हैं। सिंहपुर थाने की घटना के बाद सतना एसपी रियाज इकबाल घटनाक्रम के 12 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने बयान दिया है कि सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने बताया है कि उसकी सर्विस रिवॉल्वर टेबल पर रखी थी, जिसे छीनकर मृतक ने खुद को गोली मारी है। वहीं एसपी ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की जा रही है। इसके पहले ही बैलिस्टिक जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों ने एमएलसी कराई है। बताया गया है कि घटना के बाद मौकाए वारदात पर मौजूद थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक मनीष को सस्पेंड कर दिया गया है। थाने में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, उन फोटोज के आधार पर भी पूरा न्यायिक जांच की जाएगी। हमें कुछ नहीं जान पाए सर, ये कल पता शाम के चला कि आज राजपति को पुलिस ले गई। हम कहे ले गई भैया कहाँ चले, फिर भी कुछ नहीं पता चला। अब वहाँ से पुलिस आ गया, अभी जाने अब हम रात भर रही आए। अब मैं सवेरे में प्रभात फेरी में घूमता हूँ, जब प्रभात फेरी में गया तो उस टोले में जब गया उसके मोहल्ला में तो काल मत रात की गाड़ी गई है, पुलिस गाड़ी गई है रात में 12:45 बजे मैंने उसके देखा हूँ, मैं देखा हूँ तो मतलब गाड़ी कहाँ गई हो जब तक रहेगा तरफ होता है मेरे कोई शक नहीं। अभी जब प्रभात फेरी में गया तब पता चला कि रात पर जान से गोली से मार दिया गया। पुलिस कह रही कि वो खुद गोली मार ली है। ये सही बात भाई, वो गोली का मार ले, वो गरीब आदमी उसके ये शस्त्र लेने के उसके तारे नहीं रही, वो वसूला चला चला के पेड़ भरत रहा था। और वो व्यवहार फिर यदि गोली चलाया तो पुलिस थाने में कैसे चला लिया, घर में गोली पाया कहाँ से, गोली पाया कहाँ, घर में किसी को क्या कहना कि पुलिस मारी है, पुलिस मारा, पुलिस मारी है, पुलिस मारी गोली। अब वह पुलिस जवाब दे या को मरवाए उसका ही जवाबदारी पुलिस जाने। कल रात को एक चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए एक आरोपी को चुलाया था, तो थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया, तो जल्दबाजी में वो फायर हो गया तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी। और तुरंत यहाँ के पुलिस स्टाफ ने और थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी में उसको सतना में जो बिरला हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया था। वहाँ के जो सर्जन हैं उनको भी बुलाया गया था क्योंकि उसका क्रिटिकल कंडीशन था, तो उन्होंने न्यूरो सर्जन के लिए रीवा के लिए रेफ़र कर दिया गोली क्योंकि सर में लगी थी। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो उसका मृत्यु हुआ है क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में मृत्यु हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुआ है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के से मेरी तरफ से चिट्ठी गया तो उन्होंने जज साहब को नियुक्ति कर ली पूरे मामले की जाँच के लिए। तो कल ही हमने क्योंकि घटना गंभीर था तो हमने जितने भी जो उसमें जो मृतक है और जो पुलिस वाले यहाँ से जो लेके आए थे उनका सबका हमने हाथ का जो हैंड वॉश का टेस्ट करा दिया गया कि किसके पता करने के लिए कि किसके हाथ से गोली चली है, पिस्टल चली है। दूसरा कुछ आरोप यह आया था कि वो लोग नशे में थे तो उनका वो भी मेडिकल करा दिया गया था कि नशा का जो टेस्ट होता है वो भी कराया गया।
और यहाँ पे भी हमने थाने वाले को सबको सस्पेंड करके यहाँ से हटा दिया था और दूसरे थाने के थाना प्रभारी को यहाँ पे आके इसका सुरक्षा करने के लिए बोला था। जैसे कितने लोग सस्पेंड हुए? अभी दो लोग जो कमरे में थे उस समय, एक आरक्षक और थाना प्रभारी, दोनों सस्पेंड हुए हैं अभी, क्योंकि जुडिशियल जैसे ही वो ख़त्म हो जाते तो फिर पुलिस की उसमें कार्रवाई नहीं होता है, फिर जुडिशियल कार्रवाई होती है। जब तक वो ज़िंदा था तो मैंने जो प्राथमिक जांच कराना था वो करा दिया, सुरक्षा करने थे जो घटनास्थल का वो करा दिया। अब घटनास्थल भी जुडिशियल अधिकारी आके उन्हें सील बंद कर दिया है, CCTV फुटेज है जिसमें जो घटनाक्रम कौन कौन उपस्थित थे, कौन आए थे, ये सब दिखाई देगा, वो भी उन्होंने सुरक्षित कर दिया है। अब PM होंगे जज साहब के सामने, परिजन के सामने, अब उसकी प्रक्रिया रीवा में जज साहब पहुँच गए। सर अभी तक तो कोई FIR हुई है, कोई मामला कायम हुआ है? देखो इसमें FIR सीधे क्योंकि पुलिस जिसमें इन्वॉल्व है उसमें सीधे पुलिस FIR दर्ज नहीं करते हैं, उसमें जुडिशियल जांच होता है। अब जुडिशियरी जो जज साहब बोलेंगे किस धारा पे क्या कार्रवाई करना है वो लिखित में आएगा, तब उसकी कार्रवाई होगा। हमारा इस धरने का जो मुख्य एजेंडा है वो संबंधित थाने प्रभारी के ऊपर 302 का मुकदमा कायम करके उसकी गिरफ्तारी, उनके साथ जो उनकी पर्सनल गाड़ी में उनके ड्राइवर और उनके सहयोगी चलते थे उन सब पर भी कार्रवाई हो, और परिजनों को उनके जीवन यापन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए एक अच्छा मुआवजा और एक अच्छी नौकरी उन्हें उपलब्ध कराए सरकार, नहीं तो ये धरना, ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और यहाँ की जो प्रशासन की तानाशाही है उसे पूरे प्रदेश में उसका पर्दाफाश किया जाए। आज सतना के सभापुर थाना के अंतर्गत रामपति कुशवाहा के साथ जिस तरह उसको पकड़ के ले जाकर उसकी थाना में हत्या कर दी गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और सतना जिला वर्तमान में अपराध का केंद्र बनता जा रहा है, तमाम लव जिहाद की घटनाएं पूरे सतना जिला में चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे सतना जिले में जुआ सट्टा खुलेआम संचालित है, यहां तक कि घर घर में शराब सप्लाई की जा रही है, ये बिना पुलिस प्रशासन के सह के संभव नहीं है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार सतना के SP रियाज अहमद हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जब से ये आए हैं तब से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं सतना में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि तत्काल इन्हें सतना से हटाया जाए, अन्यथा लगातार ये समस्याएं बढ़ेगी। तमाम जनप्रतिनिधि और पूरे सतना जिले का एक एक आदमी इस समय जो पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की निष्क्रियता है, बढ़ते अपराध हैं, जुआ सट्टा है, खुलेआम हर घर पर शराब पहुंचाने का काम है, ये पैकारी सिस्टम क्या है।